जो लोग बहुत ज्यादा अपना नींद को ट्रैक करते हैं सारा टाइम डेटा देखते हैं डेटा के साथ बिलीव करने लग पड़ते हैं कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं है फिर उनको इंसॉमिया हो जाता है नींद ही एक खराब नहीं होती पूरी बॉडी की हेल्थ खराब हो जाती है फिक्स टाइम अपना डिसाइड करो और उस टाइम के इर्द गिर्द अपना टाइम रखो और वेकअप करो मैम आजकल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही बढ़ रही है लोगों को ये जानना है की मैं कैसे नींद ले रहा हूँ मतलब मैं कैसे सो रहा हूँ अब आजकल हेल्थ टेक डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं कि मतलब और रिंग हो गया है या फिर कोई स्मार्ट वॉच हो गई जो आपको सारा स्कोर देती है कि सौ में से आपके नब्बे नंबर आए अस्सी नंबर आए तो मैम कोई आम इंसान है जो मतलब ये टेक्स सेवी नहीं है या फिर एकदम सिंपल लाइफ जीता है तो वो अपने आप को कैसे तोड़ सकता है कि मैं रात को सक, अच्छे से सो पा रहा हूँ वो कैसे ये परखें कि मेरी नींद सही चल रही है कि मुझे ज़्यादा नींद या ज़्यादा क्वालिटी ऑफ नींद मुझे लेनी जरूरत है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी तो हम किसी तरीके से कोई मापते थे या गेज क्या था वो मापना था कि आप कैसे फील करते हो सुबह फर्स्ट so जज उठ के सुबह लगता हूँ hmm. देखिए दूसरा जो मेरा दिन निकलता है पूरा दिन मैं कैसे रहता हूँ ब्राइट इंगेज प्रोडक्टिव रहता हूँ कंसंट्रेशन ठीक रहती है कि मैं थका सारा टाइम लगता है मेरे को नींद आ जाएगी जब मैं उठता हूँ तब भी लगता है मैं बिस्तर में वापस घुस जाऊँ तो दीज दीज आर बेटर मेजर्स देन एनी एन ऑफ रिंग्स यार इट्स योर ओन सब्जेक्टिव फीलिंग कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ और मैम कोई अगर ये हेल्थ टेक डिवाइस जो मतलब यूज भी कर रहे हैं तो उसे क्या फोकस करना चाहिए मतलब ये तो स्कोर दे देते हैं सौ में से तो हमें क्या असल में देखना चाहिए कि हमें परखना चाहिए सही मात्रा में या तो आजकल ज तो हर एक चीज़ का मापना बहुत हो गया है वो स्टार्टेड बाई काउंटिंग स्टेप्स देन यू आर काउंटिंग कैलरीज यू आर काउंटिंग स्लीप देन यू आर डूइंग दिस स्लीप स्कोर तो इसके साथ साथ एक्चुअली एक और बीमारी का नाम भी आ गया है जिसका नाम है या yeah. जो लोग बहुत ज़्यादा अपना नींद को ट्रैक करते हैं सारा टाइम डेटा देखते हैं डेटा के साथ कहने लग इमेजिन करने लग पड़ते हैं या बिलीव करने लग पड़ते हैं कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं है उसको बिलीव करते करते फिर उनको इंसॉमिया हो जाता है नींद ख़राब हो जाती है तो वी डोंट वॉन्ट दैट कि लोग इस हद तक करें तो, तो क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन है दो तीन चीज़ें हैं जो ज़रूर यूज़फुल इंफॉर्मेशन है एक है कि मेरा आम तौर सोने का टाइम और उठने का टाइम क्या है तो अगर किसी इंसान की नींद गड़बड़ हो रही है या कुछ है तो पहली बात उसमें देखे कि मैं कंसिस्टेंटली रख पा रहा हूँ कि नहीं तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो मैं एफर्ट करूं कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं या फिक्स रखूँ तो वन इज़ बेड टाइम एंड बेकअप टाइम दूसरा जो इसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेट वो ये है कि आपकी रात की नींद में टॉसिंग टर्निंग फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह कितनी है hmm. तो सम अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स एवरीबडी कैन हैव कुछ कोई भी ऐसे स्टिल नहीं सोता है पर जिसकी hmm. बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्वालिटी खराब क्यों है सम ऑफ दीज ट्रैकर्स ऑल्सो हैव ऑक्सीजन तो अगर आपकी ऑक्सीजन 10, 15, 20 परसेंट टाइप नीचे गिर रही है और काफ़ी काफ़ी समय तक नीचे रह रही है देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि यू शुड कंसल्ट बट ये जो ऑक्सीजन का मैं कहना चाहूँगी कि, कि कुछ इसमें एरर्स भी होते हैं वो तो अगर दो तीन पॉइंट गिरे या एकदम से 20 पॉइंट गिरे और फिर एकदम से ऊपर आ जाए देन वन डजन नीड टू गेट सो वर इट कुड बी समथिंग गॉट लूज बट लंबा टाइम गिरे और नीचे ही रहे एंड आपको स्नोरिंग है या थकावट है फिर ये पॉइंटर बन सकता है कि मैं इसके लिए कुछ स्लीप के लिए मिलूँ ट्रैकर्स कैन हेल्प द इंडिविजुअल कि मैं अपने आप को समझूं। दूसरा कई दफ़ा ये गाइड बन सकते हैं कि मैं कुछ हेल्प प्रोफेशनली सीख करूं। मैम हमने सिरकारी रिदम की अभी बात की थी तो उस पर मैं थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा वो कहते हैं ना कि इंटरनल बॉडी क्लॉक को अगर आप सिंक कर देते हो तो आपका सब कुछ सही हो जाता है

अब ये क्या क्यू है कि रात है या दिन है दिस इज बाय सम क्यूज बोलते हैं okay. जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीट गिबर्स तो okay. उसमें से एक है लाइट लाइट yeah. अगर डिम होती है तो इसका मतलब रात आने वाली है hmm. दूसरा है सम फीडिंग हैबिट्स कि हम कितने बजे खाना खाते हैं तीसरा है एक्टिविटी कि हम दिन में एक्टिव रहते हैं रात को एक्टिविटी कम हो जाती है तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करती हैं क्लॉक को अब देखा गया है कि क्लॉक की मिसअलाइनमेंट एक अपने आप ही हेल्थ के लिए बहुत खराब है वेदर इट इज़ फिजिकल हेल्थ मेटाबॉलिक हेल्थ ब्लड प्रेशर शुगर मोटापा मेमोरी प्रॉब्लम्स उसके लिए एंड उसके साथ साथ कई दफ़ा ये फिर स्लीप प्रॉब्लम्स भी साथ जुड़ जाती हैं तो दोनों मिलके और ख़राब हो जाती हैं तो इनफैक्ट देर इज़ नाउ अ रिसर्च या एक बॉडी जो सिर्फ़ क्लॉक के ऊपर काम करते हैं तो वो कहते हैं कि नींद ही एक खराब नहीं होती है उसमें मैं एक बहुत ही पूछना कि हमारे उनमें जनरली क्रोनोटाइप इनका नाइट क्रोनोटाइप होता है कि रात को तीन चार बजे तक सो, सो, सोते नहीं है वो चाहे जा, वो पढ़ते होते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गप लगा रहे होते हैं या फिर कोई भी उनकी लाइफ ही वैसी हो गई है कि वो रात को तीन चार बजे सोते हैं और सुबह दस बजे उठते हैं तो इसी से एक सवाल आता है क्रोनोटाइप का कि मतलब लोग कहते हैं ना कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ मैं नाइट पर्सन हूँ मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ तो ये आपसे जानना चाहूँगा इसका और सरकारी रिदम का कितना मतलब रिलेशन है और कि, किस हद तक रिलेशन है वो क्रोनोटाइप so, का मतलब है कि हमारी प्रेफरेंस क्या है तो अगर हम आमतौर पर देखे जाए आमतौर मजॉरिटी जैसे हमने बोला स्लीप ड्यूरेशन मजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट

and teenagers have more or youngsters have more evening type predisposition so predisposition to ek cheez hai but usko ek disorder bana lena wo kai dafa we are doing this ourselves so that's what's happening so we have to yes it's important then is pe ab genetic role bhi aaya hua hai kyunki jo clock hai brain mein wo clock कैसे डिस्क्रीट करती है मेनोटोनिन कब रात declare करती है किसी में जल्दी declare करती है किसी में late. तो क्या इन्फ्लुएंस है जेनेटिक्स का तो इसमें खूब स्टडीज हो चुकी हैं ट्विन स्टडीज हैं रिलेटिव स्टडीज हैं सो देर आर सम सम्पॉर्टेंट जीन्स हैं जो ये कंट्रोल okay. करते हैं जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन इज एन इवनिंग टाइप इन द फैमिली बाकी फैमिली कैसे मेंबर्स हैं जो कहते है, मतलब एनवायरनमेंट yeah. का भी इंपैक्ट होता है यू कैन चेंज इट बट या ये एक जीन नहीं है तो दिस इज पॉलीजेनिक सो कई बीमारियां पॉलीजेनिक है तो पॉलीजेनिक का मतलब है एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल जागेंगे रात के पाँच बजे सुबह के पाँच बजे तक तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके मैम इनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी कि कोई यंगस्टर है मान लो पच्चीस साल का इंसान है वो कुछ अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है अपना पी कर रहा है या फिर कुछ मास्टर्स कर रहे हैं और वो देर उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी अभी बन गई है कि वो रात को देर रात तक जगता है सुबह थोड़ा मतलब नौ दस बजे उठता है तो आपकी एडवाइस क्या होगी क्या वो अभी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल जी रहा है अगर हाँ तो क्या क्या चेंजेस उसे करने चाहिए सो so, उसको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चार पाँच बजे तक सुबह जागेगा तो हमारे कुछ केमिकल्स हैं जैसे कॉटिस है वो रात को कम हो जाना चाहिए दिन में पीक होना चाहिए तो वो रात भर चलता रहेगा फिर इसके साथ साथ क्या हो सकता है यू कैन गेट वेरी एंशियस एंगजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है वैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है सेकेंड इज़ अगर रात को जागते रहते हैं द नीड फॉर ईटिंग इनक्रीज सो दैट फिजिकली हेल्थ गेट्स बैड देन दे गेन वेट फिर डायबिटीज़ हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि नो बडे से कि आप नौ बजे बिस्तर में चले जाओ स्टार्ट तो वर्क अर्ली एक फिक्स टाइम अपना डिसाइड कर लो ग्यारह हैं बारह हैं जो भी है और उस टाइम के इर्द गिर्द अपना टाइम रखो और वेकअप टाइम और जितने भी हम बिजी हों थोड़ा सा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी दिन में ज़रूर फिट कर लो बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्सली अपेयरिंग फॉर आई एस फॉर नीट एग्ज़ाम्स मेडिकल एंट्रेंस सारा टाइम सेड लो पच्चीस किलो तीस किलो ड्यूरिंग एंड जस्ट स्टार्टिंग साल, एक साल जो पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों वैल्यूएल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे चलिए मिलते हैं